हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मलाई से घी कैसे निकालते हैं बिना हाथ का यूज़ किए हुए। इससे आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा, झटपट घी भी निकल जाएगा। मलाई को मैं 10 मिनट पहले फ्रिज से निकाल कर रख ली हूँ। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, मलाई को इस जार में डालेंगे। जार को हमें भरना नहीं है, आधा मलाई यूज़ करेंगे अभी, आधी मलाई हम बचा के रखेंगे, बाद में उसका निकालेंगे मक्खन। देखिए मैं यहाँ पे आधा मलाई ली हूँ। जार का ढक्कन लगा देंगे, पानी अभी बिल्कुल नहीं डालना है। अब मिक्सी को एक बार चलाएंगे, अब हम ढक्कन हटा के इसे चेक करते हैं एक बार। देखिए यहाँ मलाई हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे इसमें। अगर ठंड का मौसम हो तो आप गुनगुना पानी लीजिए, गर्मी का मौसम हो तो नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गुनगुना पानी ली हूँ। एक बार और चलाएंगे मिक्सी को, एक साथ आप ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते रहिए बीच में। एक बार मिक्सी को फिर चलाएंगे। यहाँ हमारा मक्खन निकल चुका है, देखिए छाछ अलग मक्खन अलग, कितना अच्छा मक्खन बन गया है। अब हम चम्मच की सहायता से इसे इकट्ठा कर लेंगे जार में ही, ऐसे देखिए। हाथ बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे इसमें, हाथ हमारा बिल्कुल क्लीन है। मक्खन इकट्ठा हो गया है, चम्मच से बाहर निकाल देंगे इसे, दूसरे बर्तन में डाल देंगे मक्खन को। अब हम इस छाछ को छन्नी से छान देंगे ताकि इसमें जो बचा हुआ मक्खन है वो छन्नी में रह जाए, छाछ हमारा बर्तन में चला जाए। बचे हुए मक्खन को हम चम्मच से निकाल देंगे। सेम प्रोसेस से हम बाकी बची हुई मलाई को डालेंगे इस मिक्सी जार में। मिक्सी को चलाएंगे, बीच बीच में पानी यूज करते रहेंगे चेक करने के बाद। देखिए बाकी मलाई भी हमारा निकल चुका है, यहाँ भी छाछ बिल्कुल अलग हो चुका है। इस छाछ से हम कढ़ी बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं। छाछ हमारा निकल चुका, इसमें जो छाछ बच गया है इसे अलग कर लेंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे, इसके बाद इस कढ़ाई को इस पे रख देंगे। धीरे धीरे इसे चलाइए। आप चाहे तो गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे करके ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं जलाएंगे तो भी आपका घी अलग हो जाएगा मक्खन से, या फिर आप चाहे तो बीच बीच में चलाते रहिए कभी कभी।
अभी हमारा 10 मिनट और लगेगा। मैं आपको बताती हूँ बिना हाथ लगाए यहाँ पे बर्तन कैसे साफ़ हो जाएगा। जो मिक्सी का जार है हमारा, एक ग्लास गर्म पानी डालेंगे, आधा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे, मिक्सी का ये ढक्कन जार का बंद करेंगे, थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे। देखिए जार हमारा क्लीन हो गया, इसे बस अब नॉर्मल पानी से धो लेंगे। आप यहाँ पे हाथ बिल्कुल मत डालिए, हाथ कट सकता है आपका। देखिए क्लीन हो गया बर्तन हमारा बिल्कुल। घी हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है, 1 से 2 मिनट और लगेगा। अब हमारा घी बिल्कुल तैयार हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे, घी को ठंडा होने देंगे। घी ठंडा हो गया है हमारा, यहाँ पे छन्नी की सहायता से एक डब्बे में भर लेंगे घी को। 10 दिन का जमा किया हुआ मलाई से मैं यहाँ पे 250 ग्राम लगभग घी निकाल ली हूँ। तो अगर आपको हमारा ये आइडिया पसंद आए तो अपना अनुभव शेयर कीजिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ।